और दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, कांग्रेस उन वादों को मैनिफेस्टो में लाएगी जिन वादों को कांग्रेस पूरा कर सकती है, क्या कुछ कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चलिए देखते हैं। तो कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है सर, कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ मैनिफेस्टो को लेकर बातचीत हुई है? मैनिफेस्टो में बहुत सारे सुझाव आए हैं हर वर्ग के लिए और 25 तारीख तक और सबसे सुझाव मांगे हैं और उसमें जो है 27 तारीख को फिर मीटिंग होगी और हम फाइनलाइज करेंगे हर वर्ग के लिए जनहित का जो है घोषणा पत्र बनाएंगे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बुढ़ापा पेंशन हो, सब सारे आज मोटी मोटी डिस्कशन हुई। बीजेपी की कई दौर की बैठकें हो चुकी है और बीजेपी का जो पिछला घोषणा पत्र था, अब तक क्या लगता है बीजेपी ने कितने वायदे पूरे किए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खास क्या मिलेगा युवाओं के लिए, किसान? जो घोषणा पत्र था 154 वायदे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, इसी वास्ते हर वर्ग विमुख है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें बुढ़ापा पेंशन, जैसे बुजुर्ग की पेंशन है 5,000 से शुरू करें, इस तरह बहुत सारे सुझाव हैं। रोहतक रैली में कहा था वो भी बात, किसान जो भी है, जो भी कहे हैं उनमें घोषणा पत्र में डालेंगे, उनको लागू करवाएंगे, क्योंकि जो वो हम घोषणा पत्र में डालेंगे जो हम लागू करा देंगे। बिल्कुल, हुड्डा साहब का यही कहना है कि घोषणा पत्र में वही बातें होगी जो कांग्रेस पूरी कर पाए। कैमरामैन जसपिंदर के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक दिल्ली।